नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यमुना किनारे लगे कमर्शियल अवैध बोरवेल होंगे सील, एमएलए संजीव झा ने कहा एक सप्ताह में होंगे सील। जगतपुर और वजीराबाद एरिया में लगे हैं ऐसे बोरवेल। वजीराबाद और जगतपुर एरिया में यमुना किनारे बड़े बड़े बोरवेल लगाकर उनका कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े पानी के टैंकर भरकर अलग अलग निर्माणाधीन साइटों पर ले जाकर बेचे जा रहे और जमीनी पानी का जमकर दोहन किया जा रहा है। पार्कों में लगे बोरवेल को सील किया जा रहा है ताकि जमीन के पानी का दोहन ना हो, वहां पर पौधे सूख रहे हैं। लोगों के घरों के बोरवेल सील कर दिए जाते हैं ताकि जमीन के पानी का दोहन ना हो। लोग पानी बिना परेशान रहते हैं, जबकि बड़े बड़े टैंकर जमीनी पानी का दोहन करके उनका कमर्शियल प्रयोग करते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। इस मुद्दे की खबर जब मीडिया में आई और साथ ही जनप्रतिनिधियों तक भी आवाज पहुंची, तो अब जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एक सप्ताह में इस तरह के बोरवेल को सील किया जाएगा। एमएलए संजीव झा ने बताया कि उनके पास भी इस तरह की शिकायत आई है। उन्होंने डीएम और संबंधित दूसरे अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और जांच करके इस तरह के बोरवेल को सील किया जाए। साथ ही इस तरह के अवैध बोरवेल का मुद्दा कल बायोडायवर्सिटी में आई डीडीए की टीम के सामने भी फिर से उठा और अब देखने वाली बात यह होगी कि डीडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कब इन बोरवेल को सील करते हैं। दोहन को लेकर पानी क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के में सप्लाई जा रहा है। मुझे ये संज्ञान में आया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जगतपुर के पास कहीं हो रहा है, तो कल ही हमने डिविजनल कमिश्नर को भी और अपने डीएम को भी ये निर्देश दिया है कि जगह की जाँच करके और जहाँ जहाँ इस तरह का बोरवेल को सील कर दिया जाए, ताकि इससे दोनों नुकसान होता है। एक तो हमारी जो वाटर लेवल है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और ये एक व्यापार के तौर पर भी इसको लोग कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सप्ताह में सभी बोरवेल को सील कर दिया जाए। सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल सख्त, बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। ये मेरे संज्ञान में आया और ये बहुत चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से बोरवेल के जरिए पानी का व्यापार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है अगर आइडेंटिफाई उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन प्राइमरली हमें पहले बोरवेल को सील करना पड़ेगा। हम इस सप्ताह में सारे बोरवेल को सील करवा रहे हैं। ठीक।